नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र के एक गांव से संबंध रखने वाले अभिषेक समयाल को बचपन से घर में मिल सेना के अनुशासन का जुनून का असर इस कदर पड़ा कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुन लिया। परिजन भी अपने बेटे को देश सेवा के लिए फौज में अफसर बनाकर भेजने का गर्व कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट बनाकर अभिषेक आज अपने गांव पहुंचे तो परिजनों और गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ज्वाली उपमंडल के पंचायत भाली के गांव भनियाडी निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन प्रदीप समयाल और माता कृष्णा देवी का बेटा अभिषेक समयाल को बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने का सपना था। परिजनों ने भी बेटे के हौसले को बढ़ाया और उनको सेना अधिकारी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करवाई। अभिषेक सेना में कंपटीशन पास करते हुए आर्मी में भर्ती हुआ है। अब अभिषेक ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने घर वालों का मान बढ़ाया है। वहीं आज अभिषेक के घर पहुंचने पर परिवारजनों व ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वजनों सहित ग्रामीणों ने उनको आशीर्वाद दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।